हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी। तो देखिए, कद्दू लिया है मैंने, 1 केजी है, और इसको इस शेप में, मैंने हरा कद्दू था इसको इस तरीके से मैंने काट लिया है, छिलका उतार के इसका इस तरीके से मैंने काट लिया है। अब इसमें तड़का लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जीरा लिया है मैंने, राई ली है, गरम मसाला लिया है, इसके बाद ये हरी मिर्च ली है और करी पत्ता लिया है, और हींग लिया है। हींग ऑप्शनल है, आपको अच्छी लगती हो तो आप डालें वरना नहीं डालें। इसके बाद मसाले देखते हैं। तो ये देखिए मसाले, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक, बस इतना ही सामान चाहिए हमें, और रिफाइंड ऑयल तड़का लगाने के लिए। तो चलिए कद्दू की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं इसमें राई डालती हूँ, इसके बाद जीरा और करी पत्ता और हरी मिर्च, सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और 1 इंच के करीब हम लोग हींग लेंगे, और ये हींग आंच को कम कर देंगे। अब इनको तलने देंगे अच्छे से। अब हम इसमें ये कद्दू डालेंगे। कद्दू को हमें धीमी आंच पर ही पकाना है अच्छे से। मंदी आंच पर पकाना है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर जो है आधा चम्मच ऐड कर देंगे। चलाते हुए अच्छे से इसको गलने तक हम पकाएंगे। आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और कद्दू की सब्ज़ी अधिकतर घरों में चावल के साथ पसंद की जाती है, या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में बनाइएगा पराठे के साथ में, बहुत अच्छी लगती है। साइड में भी हम लोग इसको दाल चावल के साथ में ले सकते हैं। अब हम इसको इस तरीके से पकाते हैं। कद्दू को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसको कई जगह पेठा भी बोलते हैं, पेठा, कोहड़ा, और आपके इधर क्या बोलते हैं? हमारे इधर तो इसको कद्दू ही बोलते हैं, लेकिन कई जगह इसको पेठा भी बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है वाली सब्ज़ी, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, और बच्चों को बहुत अच्छी लगती है वाली सब्ज़ी खाने में। इसी तरीके से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर तक चलाने के बाद में अब मैं इसको ढक दूँगी एक बर्तन की हेल्प से, और आँच को बिल्कुल धीमा कर दूंगी। देखिए, मैं इसे ढक रही हूँ और आँच को बिल्कुल कम कर रही हूँ। अब 5 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से पकने देते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखिए, 5 मिनट हमारा हो गया है। अब हम इसको हटाते हैं आराम से, क्योंकि प्लेट बहुत गर्म हो जाती है। देखिए, अच्छे से गल गया है ये। अभी थोड़ा पकना और बाकी है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसी थाली में, इस तरीके से ये पक गया है। ये देखिए, 5 मिनट में ये अच्छे से गलने लगता है, लेकिन अभी इसका और पकना बाकी है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैं 1 से थोड़ा चम्मच कम मसाला, ये लाल मिर्च ले रही हूँ, आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा। हल्दी पाउडर हमने ऑलरेडी डाल दिया है इसमें, और धनिया पाउडर भी मैं सिर्फ 1 चम्मच ही इसमें डाल रही हूँ, 1 चम्मच और थोड़ा सा और। और जो गरम मसाला था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको चलाते हुए एक बारी चला के फिर से इसको ढक देंगे, और मंदी आंच में इसको चलने देंगे। इसी तरीके से गल जाएगा, अच्छी तरीके से घुलने लगेगा। और देखिए, सब्ज़ी हमारी कितनी यम्मी दिख रही है अभी से। आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है, और ज़्यादा मसाला भी नहीं पड़ता है, कम मसाले की सब्ज़ी बन जाती है। नमक भी मैं इसमें अभी ऐड कर दूँगी। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसको ढक दूँगी। अब हम इसको दोबारा से ढक देंगे, बस 5 मिनट के लिए, और इसके बाद सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए, 5 मिनट और हमारा हो गया है। अब हम इसको देखते हैं। कद्दू हमारा बन करके तैयार है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, यम्मी सा।
और अच्छे तरीके से गल गया है बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ किस तरीके से गला है। इसको गर्म है थाली, ये देखिए बिल्कुल गल गया है अच्छे तरीके से। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से आप कद्दू बनाइएगा। कद्दू हमारा बिल्कुल बन करके तैयार है। पहले मैं इसको ढक देती हूँ और इसके बाद में इसको हम बंद कर देते हैं तो जो भाप है वो उसमें रहेगी और ज़्यादा अच्छे से गल जाएगा। और थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी हमारी ठंडी हो गई अच्छे तरीके से और देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। देखिए आप इस तरीके से कद्दू की सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी और यम्मी लगती है। और आज के लिए बस इतना ही। बाय।